हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। स्माइल देख के समझ ही गए होंगे कि मेरी भाई की जो शादी है वो तो आज के नहीं काफ़ी फाइनल हो गई है, बट मैं आप लोगों से हाइड कर रही थी। बस सोच रही थी कि इतनी जल्दी बता के क्या फ़ायदा, थोड़ा सा सोच रही थी नज़दीक आ जाए तो आप लोगों को बताए। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, या शायद पहले ही बता दिया होगा। देखते हैं क्या कैसे ब्लॉग कब जाता है। आज मैं चल रही हूँ मेरी होने वाली भाभी यानी दुल्हन के लिए साड़ी की खरीदारी करने। जैसा कि आप सभी को पता है मेरी साड़ी की जो चॉइस है वो काफ़ी अच्छी है। अपने मुंह से बड़ाई करूँ, बट मैं अपने मुंह से नहीं करूँ, मेरे मायके वालों ने बोला कि तुम्हारी चॉइस अच्छी है, तो एक काम करो तुम वहीं से आधे टाइम लेते आना। मम्मी तो बोल रही थी कि आप आ जाओ, रुक जाना दो चार दिन, हम लोग चल के कोयरीपुर या सुल्तानपुर से देख लेंगे, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप सभी को पता ही है कि बाबू का स्कूल चल रहा है तो हम जाके रुक नहीं सकते हैं इतने टाइम के लिए। तो मुझे मई में जाना है, 3 to 4 days के लिए प्रोग्राम है, फिर जून में भी है, तो मुझे सोच समझ के सारा टाइम मैनेज करना पड़ रहा है। तो मैंने मम्मी से बोला एक काम करो भाई, पैसे भेज दो और मैं जाके ले लूँगी, आखिर आप लोगों को टाइम से पहले डिलीवर्ड कर दूंगी। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है जाके देख लो। तो आज हम और दीप फाइनली टाइम निकाल के चल रहे हैं साड़ी की खरीदारी। रिकॉर्डिंग कर पाते हैं थोड़ा बहुत कि नहीं कर पाते हैं। सारे दिखाएं कितने से स्टार्टिंग है इधर आपके भी चार। फ्रेंड्स, हमारी आधी ख़रीदारी ऑलमोस्ट हो गई है। हमने सूट साड़ी ले लिया हुआ है, बट वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, बट अपने अंदर से ही होता है ना कि यार नहीं नहीं करना है, जो तो वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाई, और वैसे भी मैं दिखाना भी नहीं चाह रही थी। अगर रिकॉर्डिंग अलाउ होती तब भी मैं जो चीज़ें ले रही हूँ वो नहीं दिखाती। मैं नहीं चाहती कि अभी से सारी चीज़ें रिवील हो जाए कि इनके ससुराल से क्या कुछ आया हुआ है। तो मुझे सब लोग देखते हैं, सब सब सब, चाहे मेरी बहन के ससुराल हो, चाहे भाई के ससुराल हो, चाहे अभी जो नई नया नया रिश्ता जुड़ा है इनके यहाँ हो, सब लोग मुझे देखते हैं। आज से नहीं, 1.5 साल से देखते हैं सब। तो मैं नहीं चाहती कि, एक होता है ना कि जब सब देख के आते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा होता है, मतलब अपने अपने बिरादरी के जो हैं कि क्या कुछ आया है बिटिया के ससुराल से, चलो दिखाओ, मतलब वो दिखाया जाता है बुला बुला के, हाँ अपना घर अपना परिवार कि बिटिया के ससुराल से क्या कुछ आया हुआ है दिखाओ, चलो देख लो। और अगर बिटिया के ससुराल से क्या कुछ आया हुआ है वो मैं पहले ही यूट्यूब पर दिखा दूँगी तो वो इंटरेस्ट नहीं,
वो इंटरेस्ट और वो फिर लगाव नहीं रह जाएगा, इसीलिए वो जैसे चाहे वैसे प्रेजेंट करे। हाँ वो इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता, आप लोग मेरी फैमिली हो, लेकिन कुछ जगहों पर हम चीज़ें नहीं कर पाते हैं, चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा है, तो जो आधी खरीदारी है वो तो हो गई है, मंथ थर्ड। अच्छा, तो अभी कुछ चीज़ें अभी हम बच्चे हैं, भैया बच्चा है, अभी पूरा भाई दूल्हा राजा और दूल्हे राजा का भी पूरा बचा हुआ है, मेरा बचा हुआ है, भाई बाबू का बचा हुआ है। हाँ, सबका बता दे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए जिसका वेट करते हैं उसका सीजन आ गया है, फलों का राजा। तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं। मम्मा पीएंगी नहीं, मम्मा ने बताया, पहले बताया था मम्मा ब्लॉग बंद कर देगी। क्यों? एडिट कर दूंगा मैं इसको। तो हम लोग यहाँ पर आम पन्ना के लिए रुके हुए हैं, हमें बहुत ही पसंद है, खासकर जो घर पे बनाते हैं ना। तो मैं सोच रही हूँ कि जब गंगापुर जाऊँ तो बनाऊँ। बहुत पसंद है, जबरदस्ती पिला रहे हैं। आपको नहीं पसंद? तो घर वाला अच्छा लगता है, ये वाला उतना नहीं टेस्टी। चलो भाई हमारा आ गया है। इष्टो नहीं है? इष्टो नहीं है? नहीं। अरे पाइप पीने वाला? हाँ सर, नहीं हो रहा, हम लोग काम ही पाने में। ऐसे पिता देसी से बात, देसी से। तो बाबू बोल रहा हम टेस्ट। अच्छी, बहुत ही टेस्टी था यार। पान ठीक कर लो, दो खत्म हो गया, पैसा दे दो उनको। हम लोग आ गए हैं क्या, कहाँ? हाथी पार्क के जस्ट सामने। हाथी पार्क हम लोग नहीं जा रहे हैं, मन नहीं है मेरा यहाँ आके। सिर्फ जो खाने पीने वाली चीजें हैं, देखो आप यहाँ पर लगे हैं ना ठेले छोटे छोटे, तो हम उसी का सिर्फ आनंद लेने आए हैं। एक्चुअली हमने देव से कहा यार आज हमारा घर चलने का मन नहीं है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हम इसलिए आज चले भी आए, एक दिन और वापस भेज थे। हमने कहा आज हमारा मन नहीं है बिल्कुल भी, तो बोले अच्छा आज हमारा भी मन नहीं था तब तुम नहीं गए। कह रहे हैं कि आज मतलब आरती को फिर छुट्टी दे दी है तो वो आते नहीं है इन दिनों। आती है लेकिन जैसे बेकार दिन काम था, बाकी तो हम ही लोग इधर उधर निकल जाते हैं भाई शाम। तो कह रहे हैं आज तुम छुट्टी दे दे रहे हो आरती को, हम कहे हाँ। तो मौज है उसकी पूरी, पूरे मजे ले रही है, बाकी सब जगहों पर काम छोड़ छाड़ के दो तीन जगहों पर कर रही है बस। तो हमने क्या 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 ऑर्डर किया दीप? एक हाँ, और दो चाय गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली, और एक पनीर टिक्का, पनीर टिक्का। तो आज आए फिर हम लोग खाते हैं, मस्त मजे करते हैं। बहुत ऐसे लग रहा है, फटा फटा लग रहा है, देखो ड्राई हो गया। लिपस्टिक नहीं लगा, एक्चुअली पूरे मुंहर में छाले हो गए हैं, और जब भी मैं जाती हूँ ये देखिए आप रिफिलिंग के लिए, तो उसमें ऐसे ऐसे से कर करके कर देते हैं, छिल जाता है। आज नहीं गए, आज मेरा डॉक्टर के साथ लेकिन नहीं गए। कल कितने बजे लगवाऊं मोहतरमा अपॉइंटमेंट? अब जब आपके पास टाइम रहे। आप बताओ, हमको तो टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि वो जरूरी है भैया। आज इनके पास टाइम था, आज हम गए, आज हम जाएंगे नहीं, आज हमारा मूड नहीं है। बात लगवा रहे हो कुछ नहीं, हम जब कहते हैं तब तब नौटंकी कर जाती है। बस यही है, मैं सोच रही हूँ कुछ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं दी आप प्रियादीप से गायब ही हो गए हो, तो मैं क्या करूँ प्रियादीप पे, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं मेकअप वीडियो, आप लोग इतनी सारी रिक्वेस्ट कर रहे हो मेकअप करो करो, यार दीप बता मेरी स्किन कैसे हो जाती, मुझे बहुत डांट पड़ती है इनसे, बहुत तो दाने निकल आते हैं, जबकि मैं इतने अच्छे प्रोडक्ट्स वेगन मतलब सोचती हूँ कि मतलब वो प्रोडक्ट ना लगाऊँ जिसमें ज़्यादा हार्मफुल केमिकल हो, यार बंद कर दो। बट एट द सेम टाइम मेकअप तो है ही, और सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री तो हो नहीं सकते हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर मुझे इनसे डांट पड़ जाती है। बाय द वे जो सूट मैंने पहना हुआ है ना, ये मीशो का सूट है, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे इतना सस्ता है। तो अगर आप लोगों को मीशो हॉल वगैरह देखना है, बाय द वे कोई पेड स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है इस टाइम, मैं मीशो के साथ काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग चाहेंगे
तो मैं मीशो के वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मीशो पे चीज़ें सस्ती और अच्छी होती हैं। 2-3 मिनट हो गए मैंने आप लोगों का ऐसे ही ले लिया, चलो आ जाए फिर मिलते हैं। हेलो कर लीजिए आप। एक्चुअली हमने थोड़ा सा सेटअप अपना बढ़वाया। सो फ्रेंड्स, आज मैं कई दिन बाद कैमरा उठा रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता कितने दिन बाद। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने सोचा कि यार ब्लॉग का एंड तो हुआ ही नहीं है, चलो एक काम करती हूँ ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। सो मैं हूँ मेरी बैल्कनी में और कुछ दिनों से मैं और पता नहीं क्या बोलने लगी हूँ, समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, कोई कमी दिख रही हो तो कमेंट करें, मैं ज़रूर सुधार करूँगी उस पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव। ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बना के रखें, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। बाय।